जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका रहस्यमय दुनिया में। दोस्तों, आज का जो एंजल नंबर है वो बहुत ही खास है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को ये एंजल नंबर दिखता है, यूँ समझ लीजिए कि भगवान ने उसे खुद सेलेक्ट किया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका स्वागत कर रहे हैं। और ये एंजल नंबर है 358 358 358। दोस्तों, ये एंजल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको संसार की पावर्स और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की पावर्स दोनों ही मिल जाती हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत खास हो सकता है। आप इसका कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एंजल आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आपकी लाइफ पर चार ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ पर 3 नंबर है जो कि देवगुरु बृहस्पति जी हैं, 5 नंबर है बुध है, 8 नंबर है शनिदेव हैं जो न्याय के देवता हैं, और उसके बाद इन सबसे मिलकर जो निचोड़ आता है वो 7 है और केतु है। और ये केतु आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाते हैं, जहाँ पर स्पिरिचुअल पावर्स आपका स्वागत करती हैं, वो आपको प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका ज्ञान और बुद्धि में विस्तार होगा और इसके साथ आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचेंगे, जहां पर बुद्ध की पावर है और बुद्ध ग्रह बुद्धि के और ज्ञान के प्रतीक होते हैं। साथ ही साथ जो भी आपकी अब तक कमी चली आ रही थी, भौतिक संसाधन में जितनी कमी थी, उन सबको पूर्ति मिलेगी और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगे, भौतिक सारे सुख साधन आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसके आगे शनिदेव हैं जो न्याय के देवता हैं और अनुशासन में रहने को बताते हैं। वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें मिलने के बाद आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, आपको अनुशासन फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उसका हर्जाना भी देना पड़ सकता है, इसलिए आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। आपके पास सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, आप ज्ञानी हैं, आपको बुद्धि में विस्तार हो चुका है, आपने लाइफ में बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए हैं, आपको भौतिक सुख साधन सब कुछ मिल चुका है, सफलता मिल चुकी है आपके कारोबार में। और उसके बाद अगर आप अनुशासन में नहीं रहते हैं, आप अनुशासन को तोड़ते हैं, आप अपने नियमों को तोड़ते हैं, आप प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, उनको उल्लंघन करते हैं, कानूनी नियमों को तोड़ते हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद एंजल आपको बता रहे हैं कि आप जब अनुशासन में रहना सीख जाएंगे तो आप आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ जाएंगे, आप आध्यात्मिक दुनिया में मन लगाइए, ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ते हैं एक कदम, तो एंजल्स आपका यूनिवर्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वागत करेंगे। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब आप बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर उसे कुछ पावर्स मिलती हैं और वो अदृश्य पावर्स होती हैं, यहाँ तक कि लास्ट पावर थर्ड आई एक्टिवेट भी हो जाती है अगर वो बहुत ज़्यादा पावर मिल जाए तो। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी पावर्स मिल सकती हैं, जैसे कि पहले से अनुभव हो जाना कोई घटना होने से पहले, सपने में सपनों के अर्थ बहुत जल्दी आ जाना, एंजल्स के नंबर्स का ऑटोमेटिक कुछ अनुभव हो जाना, एंजल्स का आसपास महसूस होना, दूसरे के बारे में देखकर उसके हालात बता देना। तो दोस्तों, ये सब पावर्स आपको मिल जाएगी और ये बहुत ही यूनिक नंबर है, बहुत ही बेस्ट नंबर है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपका अगला कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बताएं। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण।